देखिए दोस्तों यहाँ से कैसा नजारा, जाते हैं और जाने का अंदर कोशिश करते हैं कि हाँ अंदर अगर एंट्री मिल जाता है तो अंदर का करेंगे। इसी में हम लोग स्नान करने आते थे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह का 7:32 हुआ है। तो हम लोग इसे मेरे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पे एक रेल इंजन फैक्ट्री बना है, जो कि वहाँ का जो भी सीन है वहाँ का दिखाएंगे कैसा क्या बना है और ये कितने दूरी में है तो आपको दिखा देंगे। उसके बाद शॉपिंग भी करना है और वहाँ पे कुछ इंस्टा जो रील होता है उस वीडियो को भी शूट करना है। तो चलिए हम डायरेक्ट वहाँ जाते हैं और वहाँ आप लोग से मिलते हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए चल देखिए दोस्तों, हम लोग अब डीजल इंजन कारखाना आ गए। यहाँ पे देखिए मिर्ज़ापुर लिख रहा है। यहाँ पे आपको एक बार जूम करके दिखाते हैं। यहाँ पे मिर्ज़ापुर मोड़ से गौरा की तरफ ये रास्ता जाता है, जो कि यहाँ से छपरा आपको 18 किलोमीटर पड़ेगा और यहाँ से इस साइड मढ़ावरा 3 किलोमीटर पड़ेगा। तो देखिए अभी 750 मीटर अभी दूरी है। तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं डीजल इंजन कारखाना के पास और आपको वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। दोस्तों डीजल रेल इंजन जो कारखाना है, तो हम लोग 750 मीटर दूरी पे हैं अभी और वहाँ पे जस्ट पहुँचने वाले हैं और वहाँ पे गए हुए बहुत दिन हो गया, तो बहुत तो अच्छा लगने वाला कि कैसा वहाँ का लोकेशन है और कैसा क्या सीन है वहाँ पे। तो हम लोग पहले उसको देखेंगे और वहाँ पे कुछ रील्स वीडियो शूट करके, वैसे मैंने शुरू में बता ही दिया है आपको। उसके बाद कुछ शॉपिंग भी करना है, शॉपिंग भी करना और सीधे हम लोग जाते हैं वहाँ पे पहले और आपको वहाँ कुछ पहले नज़ारा दिखाते हैं और वीडियो शूट करते हैं। तो चलिए हम आगे निकलते हैं। दोस्तों हम लोग रेल इंजन के कारखाना के करीब लमसम 100 मीटर के दूरी पे हैं। तो आप लोग को यहाँ से कुछ नज़ारा दिखाते हैं, यहाँ से कैसे दिखेगा आपको। आपको ठीक से यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से ऐसा कुछ नज़ारा दिख रहा है, लेकिन मैं इसको बैक कैमरा से आपको दिखाता हूँ कैसा नज़ारा यह दिख रहा है यहाँ का रेल इंजन का। देखिए इसे जूम करके हम दिखाते हैं आपको, देख कितना अच्छा दिख रहा है दूर से। और इसके करीब हम लोग जाएंगे और यहाँ से आपको कोशिश करेंगे कि अच्छा से वहाँ से आपको दिखाया जाए और वहाँ पे कुछ वीडियो भी शूट करना है। तो चलिए वहाँ पे जाके हम लोग मिलते हैं आप लोगों से। देखिए दोस्तों यहाँ से कैसा नज़ारा दिख रहा है। देखिए कितना आसमान भी कितना अच्छा लग रहा है। हर चीज़ यहाँ पे इतना दूर पे, बहुत दूर पे ये बना है। देख लीजिए, आप देख सकते हैं इसका लोकेशन, कितना एकड़ में ये बना होगा आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये हम लोग के गांव के ही पास में ही है, गाँव में ही बना है, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होता है। हम लोग के घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर ये है फैक्ट्री। देखिए हम लोग
आप लोग को बताया था कि सबसे पहले रेल इंजन फैक्ट्री के पास आएंगे और हम लोग वहाँ पे आ चुके हैं। देखिए यहाँ का नज़ारा आप लोग को दिखा चुके हैं और हम लोग जाते हैं और जाने का अंदर कोशिश करते हैं कि हाँ अंदर अगर एंट्री मिल जाता है तो अंदर का हम दिखाएंगे कैसा क्या लोकेशन है आप लोगों को। देखिए यहाँ का एक बार और भी नज़ारा घुमा के आपको दिखा दे रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। जाने का कोशिश कर रहे हैं, अगर मिलता है, अगर जाने देते हैं तो हम लोग अंदर का शूट करेंगे। तो सबसे पहले मैं मास्क लगा रहे हूँ क्योंकि मास्क अभी तक नहीं लगाए हैं हम, तो मास्क लगाते हैं और फिर अंदर चल के जाके देखते हैं अगर अंदर ढुकने दिया जा रहा है तब। तो चलिए हम लोग चलते हैं वहाँ पे। चलिए हम लोग अंदर जाने का कोशिश करते हैं और बात करते हैं गार्ड से, अगर अंदर जाने की इजाज़त मिलता है तो हम लोग जाएंगे। और मास्क सबसे पहले कि हम लोग मास्क लगा लिए हैं और चलते हैं। देखिए दोस्तों एक प्रॉब्लम आ गया, हम लोग कोशिश तो किए अंदर जाने का लेकिन गार्ड का माना था कि हाँ कैमरा लेके अंदर नहीं जाना है, कोई अलाव नहीं है, पासिंग रहेगा तभी आप लोग जा सकते हैं, अदरवाइज अंदर नहीं जा सकते हैं। और कैमरा से रिकॉर्डिंग करना सख्त माना है यहाँ पे, तो आप लोग जरा आइएगा तो सावधानी बरतिएगा क्योंकि यहाँ पे गार्ड लोग हैं और मने कर रहे हैं कि नहीं अंदर जाना अलाउ नहीं, ना वीडियो कैमरा का अलाउ है। तो चलिए हम बाहर से ही कुछ आप लोग को नज़ारा दिखा देते हैं कि कैसा दिखता है। दोस्तों हम लोग को बाहर से कुछ नज़ारा आप लोग को दिखा दे रहे हैं, जितना कोशिश होगा उतना हम लोग दिखाने का कोशिश कर रहे हैं अंदर का नज़ारा। देखिए यहीं पे पासिंग लेके जाना पड़ रहा है, बिना पासिंग का अंदर जाना माना है, तो हम बाहर से कुछ दृश्य दिखाने का कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे गार्ड साहब मना कर रहे हैं तो हम लोग ऐसे ही अब कुछ घूम नहीं पाए अंदर, तो मैं थोड़ा सा कुछ सीन दिखा के फिर यहाँ से मैं निकलने का कोशिश करूँगा, यहाँ से जाऊँगा मैं। देखिए दोस्तों बाहर से ही कुछ दिखाने का नज़ारा कोशिश कर रहे हैं लोग आप लोगों को, अंदर तो जाने का अलाव ही नहीं है, अंदर कोई जाने ही नहीं दे रहा है, तो बाहर से ही नज़ारा देखिए कैसा दिखता है आप लोग को दिखाते हैं एक झलक। आप लोग देखिए कैसा ये दिख रहा है और कैसा अंदर से नज़ारा है, कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को कुछ अंदर का दिखा पाएँ। देख कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में, बहुत अच्छा, बहुत दूर में ये बना बहुत। देखिए यहाँ पे कुछ हम आप लोग को सीन दिखाते हैं, यहाँ पे जो नया नया बना है वहाँ का, देखिए ट्रेन का इंजन जो है वहाँ पे लगा है, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ से कोशिश कर रहे हैं आप लोग को दिखाने के लिए, देखिए आप लोग को कुछ नज़ारा दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे दिख रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ से। अब कुछ अंदर का भी दिखा रहे हैं और कोशिश मिलता है तो दिखाएंगे, नहीं तो नहीं दिखाएंगे। देखिए कैसा लग रहा है दिखने, देखिए आप लोग देखिए कैसा नज़ारा है यहाँ का। तो जितना कोशिश हुआ आप लोग को दिखा पाए, और यहाँ से कुछ दिखाने उधर से एंट्री माना है तो इसलिए हम साइड से आए हैं लोग, कुछ आप लोग को दिखा रहे हैं, कुछ दिख जाए आप लोग को। देखिए यहाँ पे वो माना है दोस्तों, जितना कोशिश हुआ हम लोग को आप लोग को दिखाने का कोशिश किए, और एंट्री करने का तो बहुत कोशिश किए लेकिन एंट्री नहीं हो पाया, और वैसे भी माना है रिकॉर्डिंग करना तो हम लोग कुछ बाहर से ही रिकॉर्डिंग किए और आप लोगों को कुछ नज़ारा आप लोगों को दिखाए। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब कुछ शॉपिंग करेंगे, और शॉपिंग करने के बाद कुछ अच्छा लोकेशन मिलेगा वहाँ पे कुछ वीडियो शूट करेंगे। देखिए दोस्तों हम लोग जस्ट आ चुके हैं, अब मार्केटिंग करेंगे, इतना भरा तो मार्केट नहीं है, बस मिर्ज़ापुर का मार्केट है, वहाँ पे कुछ कपड़े खरीदेंगे और फिर हम लोग वहाँ से निकलेंगे। तो चलिए वहाँ पे हम लोग पहुँच के आप लोग को दिखाते हैं कि क्या क्या लेंगे। दोस्तों हम लोग को यहीं से कुछ कपड़े खरीदना है, तो चलिए वहाँ पे दिखाते हैं हम लोग को क्या क्या लेना है, यहीं से कुछ हम लोग खरीदेंगे और तब निकलेंगे तो कहीं वीडियो शूट करेंगे, यहीं से कुछ हम लोग को लेना है। तो हम लोग को गए खरीदने के लिए तो वहाँ पे अच्छा क्वालिटी का नहीं था, और जैसा हम लोग को चाहिए जीन्स शॉर्ट जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल पाया, तो हम लोग कहीं और जाते हैं और देखते हैं कि जैसा हम लोग को जैसा चाहिए वैसा मिल रहा है कि नहीं, अगर ऐसा मिलेगा तो हम लोग खरीद लेंगे। चलिए हम लोग एक जगह जाते हैं जहाँ एक पोखर टाइप का है सिंगज, जो हम लोग का छोटा बाज़ार पड़ता है, तो वहाँ पे एक वीडियो शूट करेंगे, एक या दो वीडियो शूट करेंगे तो आप लोग वहाँ पे दिखाएंगे। चलिए वहीं पे जाके आप लोग को ट्रैक। तो देखिए दोस्तों हम लोग को जहाँ वीडियो शूट करना है उस लोकेशन पे आ गए हैं, देखिए कितना अच्छा लोकेशन है, लोकेशन बहुत बढ़िया है, और ये हम लोग का पोखर है समझ लीजिए एक तरह का, इसी में हम लोग स्नान करने आते थे लेकिन अब इसमें नहीं आते हैं, पानी उतना साफ नहीं है, बहुत गंदा हो चुका है। तो यहीं पे हम लोग शूट करेंगे वीडियो और आप लोग को दिखाएंगे कि कैसे शूट कर रहे हैं हम लोग का,
और यहीं पे शूट करेंगे वीडियो। तो इसमें हम लोग पहले स्नान करते थे, इसमें आते थे और स्नान करते थे, नहाते थे। देख अब यहाँ पे देखिए कैसे स्थिति हो गया है, पानी का पानी एकदम थप है, कोई स्नान नहीं करता है यहाँ पे। वैसा ही मैंने पानी कुछ नहाने लायक नहीं है पानी। और ये देखिए यहाँ पे आए साइड बहुत सारे जलेबी भी फरे हैं, यहाँ पे तुरने भी आते थे लोग बचपन में, लेकिन अब यहाँ पे कोई दिखता ही नहीं है। यहाँ पे बहुत शांत इलाका है, एकदम शांत इलाका है यहाँ पे, देखिए हर चीज़। और यहाँ पे हम लोग शूट करें तो तैयारी करते हैं कैसे क्या शूट करना है। तारा तोड़ ले आवा मैं ता तेनू इन्ना चा। गाइज हम लोग खरीदारी नहीं कर पाए क्योंकि जैसा हम लोग को चाहिए था चीज़ वैसा नहीं मिल पाया था, हम लोग शॉपिंग नहीं कर पाए। और आप लोगों को जो रेल इंजन फैक्ट्री था उसको भी दिखा दिया और एक वीडियो शूट था उसका भी मैंने क्लिप आपको दिखा दिया। तो मैं ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो प्लीज़ अगर आप इसको पहली बार देखें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही मैं ब्लॉग, विलेज ब्लॉग, जो भी टूर होगा हर चीज़ का वीडियो लाता रहूँगा। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।